गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राखी नेगी व्लॉग्स में। तो गाइस करते हैं नए व्लॉग की नई शुरुआत सुबह के 6:30 बजे से। और अभी मेरी हो रही है नाश्ता बनाने की तैयारी। तो गाइस नाश्ते में आज मेरी बन रही है मैगी और रोटी, क्योंकि मैगी मैं ऐसे भी खाती हूँ गाइस, रोटी बना के खाती हूँ। तो यहाँ पर मैगी बनके मेरी हो चुकी है रेडी और अब मैंने आटा गूंथ के यहाँ पे रख दिया है गाइस। देखो तो फटाफट से रोटी बनाती हूँ और देती हूँ अपने स्वामी जी को, क्योंकि आज ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डांट रहे कि जल्दी उठती नहीं है, खाना नहीं बनाती। तो आज क्या है कि आज है संडे, तो इस वजह से थोड़ा मैं लेट में उठी, तो मुझे डांटने पड़ेगी वो गाइस। अब मैं फटाफट थोड़ा नाश्ता बना देती हूँ, फिर मैं दूंगा। ठीक है गाइस, पहले फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं। और ये है मेरा नाश्ता। तो ये रही मेरी मैगी, अरे मेरी चाय और रोटी। तो बच्चों ने तो खा लिया, वो लोग अभी देख रहे हैं टीवी। तो इनके हाल आप लोग देख सकते हो गाइस यहाँ पे। और इसको ना पता नहीं नीचे क्यों अच्छा लगता है सोना। तुझे नीचे अच्छा लगता है सोना? हाँ का ना गोड़। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे थोड़ा फॉर्म भरने के लिए स्कूल का, रियांस का। मैं हूँ और मेरे साथ में जा रही है मेरी जेठानी जी, जो कि रेडी नहीं हुई है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ उनकी गाय है, यहाँ पर उन्होंने बकरे भी पाल रखी है। अभी वो आए नहीं तो मैं उनको वेट कर रही हूँ यहाँ पर उनके बकरे के साथ बैठ के। हेलो, पता नहीं क्या ढूंढ रही मेरी जेठानी भी, इतनी वो है ना, क्या बोलते उसको, सुस्त आदमी। तो आ गए हैं गाय जी। हेलो, तो ये है मिस सोनिया गांधी। गांधी थोड़ी सी ऐसा नेगी है गाइस, सॉरी। तो ये बहुत सारे मिले हैं गाइस। तो ये फॉर्म भरने के लिए आ रखे थे हम लोग, और ये फॉर्म भर के हम आगे जा रहे स्कूल में जमा करने के लिए। तो ये है अपार फॉर्म, है ना? तो इन्होंने भी भर दिया है और मैंने भी। तो हम दोनों अभी स्कूल में जा रहे हैं। हो गया। तो इन्होंने रिचार्ज कराया और रिचार्ज 10 मिनट बाद आया, तो इनको ऐसी कतामती हो गई। इनके पुट्टू हड़बड़ाहट हो गया। वहाँ पर मेरी जेठानी जी लगी हुई है, तो उनको निकाल पैसे, पता नहीं क्या क्या लेंगे आज। तभी हम लोग जा रहे हैं सेल के अंदर, तो यहाँ से देखेंगे कुछ। हेलो प्रणाम बेटा, ठीक ठाक? तो गाइस अभी मैं घर पहुंच चुकी हूँ और यहाँ मेरा रिशु मेरा वेट कर रहा था। बोलते मम्मी क्या लाया, क्या लाया मेरे लिए, क्या लाया? कैसे बोलते तुमने क्या लाया? अब प्यार किसने किया मम्मी को, क्यों नहीं किया प्यार? करा फिर से करो। क्या लाई मम्मी? कहाँ है, कौन सा वाला लाए, कौन सा वाला लाए? और ये कौन लाया? आज बोला मेरी मम्मी खाना बनाएगी फटाफट। मम्मी खाना बनाऊंगा। तो अभी जस्ट खाना खा के मैं व्लॉग बना रही हूँ, और व्लॉग में क्या बताने वाली हूँ ये तो आप लोगों को पता ही चल गया है। आज मेरे से एक बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 2:03 नहीं दिख रहा, पहले मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। तो 2:03 हो गया है और हमने अभी अभी खाना खाया, तो गलती मेरे से क्या हुई ये मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली मतलब पूरा दिखाती हूँ, तो व्लॉग में बने रहिए। सो दोस्तों ये वाली सब्जी आप लोग देख सकते हो, आज मैंने मस्त मूली की थिचौनी बनाई हुई थी, और ये मूली तो स्वामी जी मार्केट से लेके आए। तो गलती ये हुई कि आजकल आप लोगों को तो पता है कि मूली का सीजन है, तो मैंने सोचा इसकी सब्जी बनाते हैं, और मैंने बिना चखे इनको थींचा अच्छे से, इसके साथ हरी मिर्च और क्या बोलते हैं लहसुन वगैरह जो जो भी होता है, टमाटर वमाटर सब डाल के, और मस्त से मस्त सब्जी बनाई। तो हमारे गढ़वाली पहाड़ी मतलब पहाड़ी स्टाइल में बहुत बनाते हैं ये वाली सब्जी, तो मैंने भी बनाई। तो उसके बाद क्या हुआ गाइस, ये हो गई बिल्कुल कड़वी। उसके बाद मुझे अचानक से दाल बनानी पड़ी जल्दीबाजी में, तो खाना खाने का टाइम हो गया था, और तब पता जब मैं सब्जी चख रही थी तो मुझे पता चला कि ये तो बिल्कुल कड़वी हो रही है, और ये पूरी कढ़ाई मुझे डालनी पड़ रही है अब कल चढ़ी में, तो ये मैंने डाल दिया।
ये गलती आप बिल्कुल मत करना। तो गाइस देखा आप लोगों ने, ऐसी गलती हो गई मेरे साथ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये गलती ना करें, इसलिए मैंने आपको बताया। आजकल ना बहुत सारी सब्जियां होती है जो ऐसी कड़वी आती है। एक बार मैंने लौकी की सब्जी बनाई, तो यार चलो मूली तो ऐसा है कि मूली को तो हम चख भी देते क्या। तो एक बार पहले भी मेरे साथ ऐसे हुआ, उस दिन मैंने लौकी की सब्जी बनाई, तो मतलब मुझे पता है कि ऐसे आजकल ना मार्केट में कड़वी सब्जी भी आती है, इसलिए आप मुझे लग रहा है आलू भी चख के, आलू की सब्जी भी चख के बनानी पड़ेगी कि कहीं कड़वे तो नहीं है। तो पता क्या हुआ, वैसे मतलब आजकल मैं खाना देर में ही बनाती हूँ, तो हमारा खाने का जो टाइम है वो है 1:30 बजे, 1:30 में हम लोग खाना खाते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 बजे से मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया आज। उसके बाद मैंने खाना बनाया, और जैसे मतलब इन बच्चों को देने वाली थी मैं खाना, मैंने सोचा एक बार जरा चख के देखती हूँ, क्या मतलब नमक मिर्ची ठीक है नहीं। मैंने ऐसे चखा तो मुझे कड़वी लगी, फिर मैंने सोचा क्या पता मूली है इसलिए कड़वी हो रही होगी। फिर मैंने दोबारा से चखा, उससे पहले मैंने खील खाए हुए थे, जो खील होते हैं दीपावली के, मैंने सोचा क्या पता इसको खा के कड़वी लग रही होगी। फिर मैंने पानी पिया अच्छे से, तो भाई साहब इतनी कड़वी हो रही है ना सब्जी, बताओ मूली भी कड़वी आने लग गई है, तो लौकी भी कड़वी, लौकी भी होती है। तो आप लोग क्या पता आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, कभी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ हुआ था उस दिन, लौकी की सब्जी बनाई थी हमने, तो लौकी कड़वी हुई। तो अब क्या करें, आप सब्जी भी चख के बनानी पड़ेगी। तो बस यही बताना था मुझे आपको। तो अब बस बाय, टाटा, टेक केयर।